थाली का ढक्कन काफी खराब है, जब मैंने नेल्स कराए थे ना ये बिल्कुल नहीं खुलता था और अभी भी नहीं खुलता, घंटे लगाते रहो ब्लेंड ही नहीं होती है स्किन में, फिर अजीब सी स्टिकीनेस देता है। 2500 तक के अराउंड, या इट्स एन एक्सपेंसिव ब्रांड, अगर थोड़ा बहुत भी वॉशरूम में ऐसे ऐसे हो गया ना तो ये गिर जाएगा। बट हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेल्कम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वे एवर यू आर, एंड आफ्टर एजेस, लिटरली आफ्टर एजेस, मतलब ये बॉक्स इतना भर गया था कि बंद नहीं हो रहा था, तो मैंने डिसाइड कर लिया भाई आज वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। सो आई विल बी डूइंग प्रोडक्ट एम्प्टीज, लुक एट द कंडीशन ऑफ दिस बॉक्स, लिटरली लॉक भी नहीं हो रहा है बिकॉज मैंने लास्ट वीडियो बहुत पहले बनाई थी एंड आई हैव दिस डेडिकेटेड बॉक्स। अभी मेरा कोई प्रोडक्ट खत्म होता है मैं इसमें डालती रहती हूँ। आई थिंक प्रोडक्ट एम्प्टीज इज अ वेरी नाइस कंसेप्ट, बिकॉज जब प्रोडक्ट पूरा खत्म हो जाता है ना तब आप अच्छे से बता सकते हो कि अच्छा ये वर्क किया नहीं किया। लिटरली आज आपको आंसर मिल जाएगा इफ ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स आर वर्थ बाइंग और नॉट, ये है या फिर नहीं है। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द लास्ट। आई हैव मेकअप तो नहीं है ज्यादातर बॉडी के, हेयर के, स्किन के रियर, बिकॉज ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो आज डेडिकेटेडली इन सब के बारे में बात होने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट प्रोडक्ट, मैं रैंडमली जाने वाली हूँ, मैं इसे कैटेगराइज नहीं कर रही हेयर केयर ब्यूटी स्किन केयर में, मैं रैंडमली जो हाथ में लगा मैं वो रिव्यू करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने रिसेंटली जो खत्म किया है वो है ये गार्नियर का बनाना वेरियंट का हेयर फूड मास्क, इसका लेबल उतर चुका है बिकॉज आई लव दिस प्रोडक्ट, मैंने इतना यूज किया ना पूरा इसका लेबल पहले ही उतर गया था एंड यू कैन सी इट्स सफा चट, मतलब अंदर से पूरा मैंने खाली कर दिया। दिस इज सो गुड एंड इसकी पैकेजिंग बिल्कुल भी डिसीविंग नहीं है, लिटरली आपको नीचे तक यहाँ तक क्वांटिटी मिल रही है जितना दिखाया है। सो ये जार आपका बहुत लंबा चलने वाला है। ये वैसा मास्क नहीं है जो थिक वाले मास्क आते हैं जैसे आप हेयर मास्क सोचते हो थिक होगा बहुत गाढ़ा होगा, एकदम पतली कंसिस्टेंसी का हेयर मास्क है जस्ट लाइक कंडीशनर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से यूज करना, अगर थोड़ा बहुत भी वॉशरूम में ऐसे ऐसे हो गया ना तो ये गिर जाएगा। बट दिस इज वेरी गुड, मेरे पास इसी ब्रांड का बेसिकली यही रेंज का पपाया वेरिएंट है, तो मैं अभी एक और ये नहीं ले रही, लेकिन जब वो पपाया भी खत्म हो जाएगा ना आई विल रीपर्चेज दिस बनाना वेरिएंट बिकॉज दिस इज सो सो गुड। मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बेस्ट ये हेयर मास्क है, इसको लगाते ही बाल इतने स्मूथ हो जाते हैं ना, नरिशमेंट बहुत अच्छी फील होती है। ऑल्सो ये वाला जो हेयर फूड है इसके अंदर कोई कलरेंट नहीं है, आर्टिफिशियल कलर नहीं है, सिलिकॉन नहीं है, पैराबिन नहीं है, एंड दिस वेरिएंट इज फॉर, ये वीगन भी है बाय द वे, एंड दिस वेरिएंट इज फॉर ड्राई हेयर। इनके बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, इंडिया में खाली 3 लॉन्च हुए हैं, मैंने इनके साथ डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हो, आप गूगल यूट्यूब करो कशिका गार्नियर हेयर फूड, आपको रिजल्ट्स में मिल जाएगी। ये बेसिकली 3 तरीके से यूज किया जाता है, आप इसको एज अ कंडीशनर, मास्क एंड लीव इन क्रीम भी यूज कर सकते हो। लव इट, आई थिंक दिस इज वर्थ एवरी पेनी। अगर आपको ये अमेज़न या नायका पे 30-40% ऑफ पे मिल रहा है ना, ले लो बिकॉज ये बहुत लंबा चलता है और बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। नेक्स्ट अप वी हैव समथिंग इन स्किन केयर, आई थिंक मेरे प्रीवियस एम्प्टीज में भी था बिकॉज ये आई थिंक 3rd बॉटल मैंने फिनिश करी है। ये है कॉसायरेक्स का लो पीएच गुड मॉर्निंग जेल क्लेंजर, दिस आर द ट्यूब लुक्स लाइक, आई लव दिस फेस वॉश, बहुत अच्छा फेस वॉश है, मॉर्निंग के लिए काफी जेंटल है, अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है और मॉर्निंग क्लेंजिंग के लिए आप कुछ देख रहे हो जो जेंटली आपकी स्किन को क्लेंज करे, वेरी नाइस। बट अगेन द पैकेजिंग इज अ फेल, मैंने लास्ट एम्प्टीज में बोला था इनकी पैकेजिंग बहुत गंदी है काफी, इसको आप ऑब्वियसली ऐसे ही रखोगे ना, ट्यूब को ऐसे रखा जाता है और ये पूरा लीक आउट हो जाता है, इसका नॉजल दोनों का ही बेकार था, आई थिंक तीनों का, तीसरा ये मेरा खत्म हुआ है। सो ऐसा नहीं हो सकता एक में डिफेक्ट है, सो ये पैकेजिंग ही इनकी फेल है, इसका ये कैप बहुत ही लूज है, बट ओवरऑल प्रोडक्ट इज नाइस, मैं इसको ऐसे रखती हूँ सो दैट लीकेज कम से कम हो, बहुत अच्छा है। और इस पर लिखा भी हुआ है दिस इज फॉर्मुलेटेड विद प्योरिफाइंग बोटानिकल इंग्रीडियंट्स, इसका लो पीएच फॉर्मूला है जो स्किन को सूद रिफ्रेश और सॉफ्टन करके रखता है, तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर आप कोई फेस वॉश यूज करते हैं ऐसे ड्राई ड्राई और ऐसे सूखी वाली फील आती है, आई वुड से स्विच टू दिस वन, इसको यूज करके आपकी स्किन क्लेंस भी हो जाएगी और इसका पीएच लेवल भी मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट अप वी हैव माय होली ग्रेल बायोडर्मा का सेंसी बायो H2O माइसेलर वाटर, ये पिंक वाला वेरिएंट तो मेरा एब्सोल्यूट फेवरेट है, दो इनका जो दूसरा वाला वेरिएंट आता है जो ग्रीनिश ब्लूइश कलर का आता है वो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बना है, लेकिन मेरा फिर भी पर्सनल फेवरेट ये सेंसी बायो ही है, बहुत अच्छे स्किन को क्लेंस करता है, मैं डेली बेसिस पर यही यूज करती हूँ, जिससे मैं हैवी मेकअप नहीं करती, खाली सनस्क्रीन होती है तो मैं यही यूज करती हूँ, इससे अच्छे सनस्क्रीन एंड ऑल रिमूव हो जाती है, फिर आप फेस वॉश कर लो, एक डबल क्लेंजिंग हो जाती है, वेरी वेरी जेंटल, आइज के लिए भी बहुत अच्छा है, मैंने जितने भी अभी तक और माइसेलर वाटर्स यूज करे हैं ना वो आइज में लगाते ऐसे स्टिंग करते हैं, इरिटेट करते हैं, इसके साथ वो नहीं होता। सो अगर आपकी भी सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन है ना, ट्राई दिस वन, ये आपको पैक ऑफ 2 में मिलता है नायका की सेल पर, आपको बाय वन गेट वन पे मिल जाता है, सो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप बाय वन गेट वन पे देखोगे ना, आई थिंक आपको 1000 रुपीज में ऐसी 2 बॉटल्स मिल रही है, विच इज सुपर डील, और वो हमेशा डील चलती रहती है, अभी भी चल रही होगी, आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट अप आई हैव समथिंग इन हेयर केयर, ये है प्लम का टी ट्री डैंड्रफ फाइटिंग स्कैल्प सीरम, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ऐसे नॉ
नॉजल में आता है, आप इसको नॉजल को ऐसे अनलॉक करोगे, फिर आप डायरेक्टली इसको ऐसे स्कैल्प पे लगा सकते हो। ये मैंने परसों ही खत्म किया है, मैंने परसों इस बॉक्स में डाला था और तब मैंने डिसाइड कर लिया बॉक्स भर चुका है कशिका, वीडियो फिल्म कर ले और डिले मत कर। सो दिस इज़ वेरी नाइस। ये बेसिकली टी ट्री बेस का एक सोल्यूशन है, एलोवेरा जेल जैसे इसका टेक्स्चर है। आप इसको डायरेक्टली ऐसे करके ना स्कैल्प पे पार्टीशन करके लगाओ, मसाज करो एंड दैट्स इट। मैं इसको एज अ ओवरनाइट ट्रीटमेंट यूज करती हूँ, शैम्पू करने से एक रात पहले मैं रात को इसको अच्छे से मसाज करती हूँ स्कैल्प पर, तो जो भी डैंड्रफ या फिर इचिनेस के इशू होते हैं वो उससे बहुत अच्छे से चले जाते हैं। मुझे डैंड्रफ का काफ़ी ज़्यादा इशू है, तो मेरे लिए तो ऐसे प्रोडक्ट ज़्यादा ज़रूरी हैं। एंड दिस इज बेसिकली अगेन सिलिकॉन, एल्कोहल, पैराबिन, प्रोपीलीन ग्लाइकोल, जिंक, थैलेट, सल्फेट फ्री, कुछ भी नहीं है। प्राइस ऑफ दिस प्रोडक्ट इज 650 एंड दिस इज द ओनली डाउन साइड ऑफ दिस प्रोडक्ट, बिकॉज 650 रुपीज के हिसाब से मुझे क्वांटिटी काफ़ी कम लगी। अगर मैं स्कैल्प पर इसको अच्छे से यूज़ करूँ ना तो ये 5 या 6 यूज के मतलब एक मंथ के बाद ही खत्म हो जाता है। अगर आप इसको DIY करना चाहते हो ना तो आप प्लम का एलोवेरा जेल लो, प्लम ब्रांड का एलोवेरा जेल काफ़ी अच्छा, एकदम लाइट कंसिस्टेंसी का है, और कोई टी ट्री एसेंशियल ऑयल ले लो। आप उन दोनों को लाइक 1 या 2 ड्रॉप अपने एलोवेरा जेल में डालोगे ना, मैंने काफ़ी बार अपने चैनल पर दिखाया हुआ है DIY, मैं बहुत करती हूँ, वो मिक्स करोगे ऐसा ही कंकॉक्शन बनता है, ऑलमोस्ट सिमिलर ही कंकॉक्शन बनता है। तो अगर आप 650 नहीं स्पेंड करना चाहते तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। आई थिंक मैं वो DIY करके ना ऐसे थोड़ा इसके अंदर ही डाल दूंगी एंड आई कैन यूज इट, लाइक आई कैन यूज दिस नॉजल। मेरी मदर कह रही थी बॉटल मुझे दे देना, वी रीयूज मैक्सिमम बॉटल्स, स्प्रे बॉटल हो गई, ऐसी वाली बॉटल्स हो गई, मैं हम बहुत ज़्यादा रीयूज करने की कोशिश करते हैं सो दैट ट्रैश में कम से कम जाए। अगर कुछ ऑयलिंग वाला होगा ना, लाइक कहीं ना कहीं ऑयलिंग करनी होगी, तो मैं इसके अंदर ही डाल दूंगी। दिस इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज़, बट या अगर आप ईज ऑफ यूज़ के लिए या फिर आप कुछ कन्वीनियंट वे में यूज़ करना चाहते हो, 650 का आप ये ले सकते हो। मेरा कोड अप्लाई होता है प्लम पर विच इज कशिका 15, उससे आपको 10% ऑफ मिल जाता है, तो उस हिसाब से आई थिंक ठीक है, बट आई थिंक DIY कर लोगे तो आपको और सस्ता पड़ेगा। नेक्स्ट अप, आई हैव दिस ग्लास बॉटल, ये है लॉरियल का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम एंड आई थिंक मुझे 1 साल लगा इसको खत्म करने में, या बिकॉज ये थोड़ा सा ना थिक कंसिस्टेंसी वाला सीरम है, तो काफ़ी बार जब गर्मियाँ आती है ना तो मैं इसका यूसेज थोड़ा कम कर देती हूँ। इसको मैं यूज़ करती हूँ रफ वाले डेज पर, जब मेरे बाल बहुत रफ होते हैं, फिर जो सर्दियाँ आती हैं तब वाले बालों पर ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बिकॉज इसकी जो सीरम की कंसिस्टेंसी है वो थिक है एज़ कम्पेयर टू आप बाकी जो सीरम लिवॉन के आते हैं, बायोलाश का आता है, और भी सस्ते सीरम्स आते हैं, उनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी पतली होती है तो बहुत ईजिली वो अप्लाई हो जाते हैं। दिस वन इज स्लाइटली थिकर, बट दिस इज़ वेरी नाइस फॉर रफ हेयर। अगर आपके फ्रिजनेस बहुत ज़्यादा, आपके बाल मतलब हद से ज़्यादा रफ है ना, ट्राई दिस वन। ये बड़ी वाली बॉटल है, ये बड़ी वाली बॉटल भी ग्लास में आती है, छोटी वाली भी आई थिंक ग्लास की आती है, आई एम नॉट रियली श्योर, छोटी वाली मैंने नहीं ली, लेकिन ये बड़ी ग्लास की बॉटल है, काफ़ी लग्जूरियस पैकेजिंग है। सो ये खाली सीरम नहीं है, इसको एज आप हीट प्रोटेक्टिंग भी यूज़ कर सकते हो, नॉट फॉर एक्सट्रीम हीट हेयर स्टाइलिंग, लाइक प्रॉपर कर्लिंग या फिर प्रेसिंग अच्छी वाली करने वाले हो तब मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, फिर तो आप प्रॉपर एक हीट प्रोटेक्टिंग स्प्रे लो। लेकिन थोड़ा बहुत लाइक आप एलन ट्रूमन का ब्लो ड्रायर यूज़ करती हूँ या फिर काफ़ी बार मैं कॉम्ब यूज़ कर लेती हूँ स्ट्रेटनर वाला, तो मैं सीरम को खाली यूज़ करती हूँ, बिकॉज उसमें लिखा भी हुआ है आप इसको बिफोर शैम्पू, बिफोर ड्राइंग, बिफोर स्टाइलिंग, एज अ फिनिशिंग टच, एज एन ओवरनाइट ट्रीटमेंट किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आई हैव दिस एम्प्टी स्प्रे बॉटल बाय द ब्रांड ई क्लैट, अगेन इसकी भी धज्जियाँ उड़ चुकी हैं, आप देख सकते हो स्क्रैच वैच सब कुछ पूरा, इसका आदि ब्रांडिंग मिट चुकी है, बिकॉज मैंने बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किया, काफ़ी बड़ी बॉटल है ना तो लंबी चल जाती है। ये ई क्लैट का ग्लो टॉनिक एक्सफोलिएटिंग फेशियल टोनर, लेकिन मैं इसको फेस पर नहीं यूज़ करती, आई यूज़ इट ऑन माय बॉडी, मैंने काफ़ी बार इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी रिकमेंड किया है। अगर आपको लाइक डार्कनेस बहुत ज़्यादा है, अंडर आर्म्स पर डार्कनेस है, नीज बहुत डार्क है, या फिर स्किन पर बम्पीनेस है, रफनेस है, अगर आप केमिकली बॉडी को एक्सफोलिएट करना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें आपको ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, रेड जिंसिंग, विच हेजल, रोजिप ऑयल, रोज पेटल वाटर, हिबिस्कस, एलोवेरा के सारी गुडनेस मिलती है। खुशबू इसकी बिल्कुल गुलाब जैसी है, इसमें रोज पेटल का इन्होंने वाटर डाला हुआ है, लिटरली गुलाब जैसी इसकी खुशबू है एंड वेरी कन्वीनियंट यूज़। मैं तो उसको अंडर आर्म्स में बहुत यूज़ करती थी, रात को ऐसे स्प्रे कर लिया और ऐसे डैप डैप किया, दैट्स इट। ये कहीं ना कहीं केमिकली एक्सफोलिएट करता है, तो डेड स्किन जो भी डार्कनेस होती है उसको कम करने की कोशिश करता है। मैंने खुद विजिबल डिफरेंस देखा है कि मेरी पिगमेंटेशन कम हुई है। इसकी छोटी बॉटल भी आती है, तो अगर आप वो छोटी 600-500 की यूज़ करना चाहते हो या ट्राई करना चाहते हो आप वो ले सकते हो। नेक्स्ट एम्प्टीज इज फ्रॉम डॉक्टर शेट्स, या डॉक्टर शेट्स का हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड स्लीपिंग मास्क, यू गाइज नो माई लव फॉर दिस वन, ये तो मैंने इतनी बार दिखाया हुआ है ना, मैं इनके साथ स्पॉन्सरशिप में भी काफ़ी बार इसी की वीडियो करी हुई है, बिकॉज मुझे ये पसंद है तो मैं हर बार बोल देती हूँ कि मैं इसी को प्रमोट कर दूँ, या इसके साथ कॉम्बिनेशन मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है, बट ये मेरा स्टेपल फेवरेट है विच आई लव। अब तो इन्होंने हल्दी एंड हाइलुरोनिक एसिड की सनस्क्रीन भी निकाल दी है, वो भी मुझे काफ़ी पसंद आई है, बट दिस वन इज़ लाइक माई फेवरेट। मैंने इसकी बहुत सारी बॉटल्स खत्म करी हैं, ये तो मेरी रिसेंटली वाली खत्म है, उससे पहले वाली तो आई थिंक मैं फेंक भी चुकी होंगी। इसके अंदर आपको हाइलुरोनिक एसिड मिलता है, सेरामाइड कॉम्प्लेक्स, कोलेजन, ये सब मिलता है, काफ़ी अच्छा है, इस लाइक अ
जेल बेस्ड बेसिकली नाइट ट्रीटमेंट, आप इसको रात को अपने पूरे फेस पे स्प्रेड कर सकते हो। और इसमें ना ऐसे छुछड़ी हल्दी की ग्लोब्यूल्स हैं जिसको आपको बर्स्ट करना होता है, आप उसको हाथ में बर्स्ट कर लो या फिर फेस पे ऐसे पुश करोगे ना तो ऐसे बर्स्ट हो जाती है, फिर आप उसको अप्लाई कर सकते हो। एक्ने प्रोन स्किन हो, थोड़ी बहुत रेडनेस हो तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, बिकॉज के जो इंग्रीडियंट्स है ना वो थोड़े बहुत एक्ने प्रोन, कॉम्प्रोमाइज या फिर बैरियर खराब है आपकी स्किन का, तो उस वे में बहुत हेल्प करता है। वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव एम्प्टी शैम्पू बॉटल फ्रॉम नायका। ये तो मतलब रिचुअल बन गया है कि जब भी मैं कोई प्रोडक्ट एम्प्टीज करूंगी नायका की शैम्पू का बॉटल उसमें होगा ही होगा। सो ये नायका का फर्मेंटेड राइस वाटर एंड बैम्बू शैम्पू, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये भी काफ़ी अच्छा, दिस इज मोर ऑन द स्मूदनिंग साइड। अगर आप नायका का कोई एक शैम्पू पिक करना चाहते हो जो आपके बालों को भी क्लेंस करे लेकिन आपको एक स्मूदनिंग वाली फील दे, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये काफ़ी अच्छे से आपके बालों को नरिशमेंट देता है, टेम डाउन करके रखता है। यू गाइस नो आई लव नायका के शैम्पूज। अगर आप नए आए हो तो मैं बता देती हूँ, मैंने इनके सारे वेरिएंट यूज किए हुए हैं। मेरी फोर्थ बॉटल होगी और आई थिंक फिफ्थ वाला जो वेरिएंट है चारकोल वाला, वो मैं आजकल यूज कर रही हूँ। इतना सा लो, इतना अच्छे से फॉर्म होता है, बालों को बहुत अच्छे से क्लेंस करता है, बिल्कुल भी लाइक ऐसे सूखे सूखे ड्राई बाल मेरे फील नहीं होते। आई लव दिस वन। ये जो शैम्पूज हैं ये मिनरल ऑयल फ्री है, नो एडेड इसमें कलर है, और ये थैलेट फ्री, SLS, SLES एंड पैराबिन फ्री भी है। सो ओवरऑल तो लाइक फॉर्मुलेशन इज वेरी नाइस। आप अपने कंसर्न के हिसाब से पिकअप कर सकते हो। इन्होंने अलग अलग कंसर्न के वेरिएंट निकाले हुए हैं, लाइक करी पत्ता वाला आंवला का वेरिएंट आता है, हेयर फॉल के लिए आता है, अनियन फेनुग्रिक का वेरिएंट आता है, तो अपने हिसाब से कोई भी पिक कर सकते हो। ओवरऑल वैसे ऑलमोस्ट सारे इनके शैम्पू सेम ही वर्क करते हैं, लेकिन ये राइस वाटर से मैंने थोड़ा बहुत स्मूदनिंग फील करा है, सो आई थिंक स्मूदनिंग के लिए दिस इज नाइस। नेक्स्ट वी हैव अ रोल ऑन, ये निव्या का व्हाइटनिंग स्मूथ स्किन रोल ऑन डिओड्रेंट, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ऑल्दो मुझे क्लेम्स नहीं पसंद आते व्हाइटनिंग, बिकॉज अंडरआर्म्स पे यार ऐसे से होता है, मतलब ऐसे फ्रिक्शन क्रिएट होता है तो अंडरआर्म्स थोड़े बहुत डार्क होंगे ही होंगे। आप थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन को कम कर सकते हो ध्यान रख के, लेकिन व्हाइटनिंग का कोई सेंस नहीं बनता। ये मुझे मेरे स्मिटन के कोई एक हैम्पर में रिसीव हुआ था और ये अब निकल नहीं रहा है, इसमें थोड़ा बहुत मुझे दिख रहा है यहाँ से ड्रिप होता है, लेकिन अब ये प्रोडक्ट में आ नहीं रहा है। मुझे इसका जो व्हाइट वाला ये है ना मुझे इतना अच्छा ही लगा। आई यूज द बायो ग्रीन टी वन, निव्या का सेम बायो ग्रीन टी रोल ऑन आता है, मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। दैट वर्क्स बेटर, वो एकदम ट्रांसपेरेंट पानी जैसा, और उसका कोई व्हाइटनिंग का क्लेम नहीं है, विच इज़ गुड। अंडरआर्म रोल ऑन का काम होता है आपके अंडरआर्म्स को हेल्थ, मतलब ओडर फ्री रखना, स्मेल ना आए उसको, कहीं ना कहीं जो स्वेट भी हो वो कहीं ना कहीं खुशबू में कन्वर्ट हो जाए। दैट्स इट, मैं ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती अपने अंडरआर्म रोल ऑन से। सो व्हाइटनिंग वाला क्लेम एकदम सुपर फेल है। सो अगर आप रोल ऑन लेना चाहते हो आप वो बायो ग्रीन टी लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दिस इज आई डेंट लाइक इट। वी हैव अनदर खुशबू वाला प्रोडक्ट, ये है नायका का वॉन्डलर्स मेडिटेरियन सी सॉल्ट फ्रेग्रेंस मिस्ट। इसको तो आई थिंक मुझे एक साल लगा होगा खत्म करने को, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ मिस्ट, मेरे पास बहुत सारे मिस्ट हैं, परफ्यूम है, तो ऐसे मैं स्विच करके यूज करती रहती हूँ। आई एम अ जेमिनी, मैं एक खुशबू से भी बोर हो जाती हूँ। मैं एक वीक अगर कोई पर्टिकुलर मिस्ट यूज करती रहती हूँ ना, फिर आई एम लाइक नेक्स्ट वीक नहीं यार कुछ और खुशबू चाहिए, मुझे वैरायटी चाहिए अपनी लाइफ में, तो मैं नेक्स्ट वीक कुछ और यूज करने लग जाती हूँ। तो मैं ऐसे स्विच काफी करती हूँ ना, तो मेरे मिस्ट भी काफी टाइम तक चलते हैं। तो इसको खत्म करने मुझे एक साल लगा। इनफैक्ट इसका पंप भी खराब हो गया था, बिकॉज ये दो बार गिर गया था और उसके बाद इसका पंप वर्क ही नहीं किया। बट वेरी वेरी नाइस। अगर आप कुछ एकदम फ्रेश रिफ्रेशिंग एक्वा, मतलब ऐसे होता ना आप कहीं ना कहीं रिजॉर्ट टाइप में गए हो जहाँ पे एकदम खुशबू, एक पानी की एक फ्रेश एक्वा वाली खुशबू आ रही है, फ्रेश आप कोई शॉल लेके आए हो, थोड़ा बहुत इसकी जो खुशबू है ना वो मैनली परफ्यूम वाली साइड है, दैट्स वाई आई लव इट। मैंने अभी दो तीन महीने पहले वीडियो बनाई थी ऑन बेस्ट परफ्यूम्स एंड मिस्ट, मैंने उसमें फीचर किया था। मुझे थोड़े से मैनली परफ्यूम अच्छे लगते हैं, मुझे वो गर्ली खुशबू मीठे मीठे वाले इतने अच्छे नहीं लगते, आई डोंट नो दैट्स माई प्रेफरेंस। सो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा। अगर आपको भी मैनली एक्वा या एकदम वो फ्रेश वाली खुशबू पसंद है, ट्राई दिस बॉडी मिस्ट। इनके डिओड्रेंट्स भी आते हैं लेकिन मुझे बॉडी मिस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज आप इसको क्लॉथ पे स्प्रे कर सकते हो और फिर क्लॉथ के हिसाब से लंबा चल जाता है। डिओड्रेंट को ना बॉडी पे लगाना होता है और वो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, सो आई प्रेफर मिस्ट ऑलवेज। सो डू ट्राई दिस रेंज, इनकी पूरी मेडिटेरियन की रेंज आती है, इसमें बॉडी वॉश, शावर जेल, मॉइस्चराइजर आता है, लेकिन ये मिस्ट मेरा फेवरेट है। आई वुड से हाईली हाईली रिकमेंडेड। अनदर बॉडी केयर प्रोडक्ट फ्रॉम नायका ब्रांड, या नायका का वॉन्डलस्ट का स्ट्रॉबेरी रेंज का, वो मेडिटेरियन सी सॉल्ट रेंज थी, ये स्ट्रॉबेरी रेंज का बॉडी लोशन है। दिस इज द बॉटल लुक्स लाइक, एंड दिस इज अ बॉडी लोशन। ये पंप आता है इसका, लेकिन इसका पंप टूटा हुआ आया था, मुझे PR में रिसीव हुआ था बहुत पहले और तभी इसका पंप टूटा हुआ ही आया था, तो मैं इसको ऐसे खोल के यूज़ करती थी। अब ऑलमोस्ट मैंने पूरा यूज़ कर लिया, या थोड़ा बहुत वॉल पे लगा हुआ है, जैसे जैसे करके मैंने इसको यूज़ कर ही लिया, बिकॉज मुझे इतना ही पसंद नहीं आया। मैंने जस्ट फॉर सेक ऑफ इट की खोल लिया है, टूटा हुआ है, मुझे यूज़ करना है, तो इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। बट अदरवाइज इट्स एन एवरेज प्रोडक्ट। ब्लेंड करने बहुत घंटे लगाता है इसको, मतलब लगाते ना सब तक घंटे लगाते रहो, ब्लेंड ही नहीं होती है स्किन में, फिर अजीब सी स्टिकीनेस देता है,
मुझे पर्सनली वाला बॉडी लोशन अच्छा नहीं लगा, सो अगर आपको कहीं भी दिखे जस्ट स्किप इट। नेक्स्ट अप आई हैव टू मॉइस्चराइजर। सबसे पहले है ये ईक्लैट का डबल रिपेयर हाइड्रा मॉइस्ट हाइड्रो प्लम्पिंग वेटलेस मॉइस्चराइजर क्रीम विद प्रो बायो बैलेंस। इतना सब कुछ लिख देती ना ब्रांड, मतलब हद होती है, बट दिस इज हाउ द बॉटल लुक्स लाइक। यू कैन सी काफी अच्छे से स्क्वीज आउट कर दी, काफी अच्छा ये मॉइस्चराइजर था। आई रियली लाइक इट। आई डोंट नो व्हाई मैं इतना रिकमेंड नहीं करती ईक्लैट की रेंज में से, पर मुझे मॉइस्चराइजर काफी अच्छा लगा बिकॉज ये लाइक लाइट भी है, हैवी फील नहीं होता, नरिशमेंट बहुत अच्छे से देता है। मेरी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो मतलब मुझे मॉइस्चराइजर चाहिए भी, लेकिन मुझे ग्रीसीनेस नहीं चाहिए, तो मेरा वो वाला सीन होता है। एंड उस हिसाब से दिस इज वेरी नाइस। ये हाइड्रो मॉइस्ट है ना, ये लिटरली हाइड्रेशन देता है, मॉइस्चराइजेशन अच्छी देता है, और इसमें आपको सारे सेरामाइड्स एंड ऑल मिल जाते हैं। तो अगर आपकी भी स्किन का थोड़ा सा पीएच लेवल या फिर बैलेंस हिला हुआ है ना, लाइक स्किन का बैरियर बहुत ज़्यादा हिला हुआ है, कुछ यूज़ कर लिया स्किन रेड हो गई, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड है, तो उस सेंस में मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर आपको प्रो बायो बैलेंस मिलता है, सेरामाइड मिलता है, इसमें नायसिनमाइड है, हाइलुरोनिक एसिड है, इसमें पेंथोलॉल भी है, इसमें कमेलिया लीफ एक्सट्रैक्ट है और भी पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट है। सो उसके हिसाब से द कॉम्बिनेशन इज रियली नाइस। अगर आप यंग हो, आप ज़्यादा सीरम्स इन्फ्यूज प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना चाहते, तो आप ऐसा मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर लोगे ना, तो आपको बेनिफिट मिल जाएंगे, बिकॉज में जो इंग्रीडियंट्स की परसेंटेज है इट इज़ गुड इनफ, इट वर्क्स एज अ सीरम इन्फ्यूज मॉइस्चराइजर ओनली। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर जो मुझे बहुत पसंद आया था वो है फ्रॉम द ब्रांड क्लेयर्स। ये क्लेयर्स का रिच मॉइस्ट सूदिंग क्रीम, एंड आई विश मैंने इसी का ही बड़ा साइज लिया होता, बिकॉज अभी रिसेंटली कल्ट पे, कल्ट सो कूल सो कल्ट ऐसे वेबसाइट है ना, उस पर सेल लग रही थी 50% ऑफ। तो उनका ना एक प्रोफाइल वाला होता है कि आप स्किन का अपना फिल करो कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, उसके हिसाब से आपको रिकमेंड करते हैं। सो उसमें मुझे उन्होंने क्लेयर्स की कोई और क्रीम मेंशन करी, नॉट दिस वन, कोई और मैं नीचे रखी हुई है मेरे पास, वो मेंशन करी, एंड दैट इज सो ग्रीसी। एक तो मैंने वो इतनी बड़ी ले ली और वो ग्रीसी है, वो स्किन को मतलब ऐसे पानी पानी ऐसा लगता है, मैं कितनी ज़्यादा स्वेट कर रही हूँ। दो उसके ऊपर मेकअप काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए मैं जिस दिन हैवी मेकअप करती हूँ ना, मैं उस दिन उसको यूज़ कर लेती हूँ, बट एवरी डे के लिए मुझे वो बहुत ग्रीसी लगी। आई विश मैंने यही ली होती, बिकॉज दिस वॉज वेरी वेरी गुड। ये भी टीनी टाइनी सा सैम्पल लगता है, बट ये भी प्रॉपर मॉइस्चराइजर है, आप इसको खरीद सकते हो फॉर 300-400 समथिंग। आई नो क्लेयर्स इज एन एक्सपेंसिव ब्रांड, तो शॉक मत होना, ये इतनी सी ट्यूब भी काफ़ी महंगी आती है, बट दिस इज गुड। अगर आप लग्जरी स्किन केयर में जाना चाहते हो या थोड़ा सा आपका बजट हाई आप लेना चाहते हो, आई वुड से ट्राई दिस वन। ऑयली एक्ने प्रोन स्किन है ना, तो ये मॉइस्चराइजर आपको बहुत पसंद आने वाला है। दिस इज द रिच मॉइस्ट सूदिंग क्रीम, दिस इज द ब्रांड नेम। आपको सेम यही साइज की बड़ी वाली भी मिलती है, रिप्लेनिश करता है, जेंटल सूदिंग है, नॉन ग्रीसी है, वेरी वेरी नाइस। को तो मैंने लास्ट तक निचोड़ निचोड़ के निकाला था, भरी गर्मी में या फिर जब मॉनसून में चिपचिप वाला वेदर होता है, जो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्रीसी होती है, तो उस टाइम पर मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा है। अगेन अप्रूव फॉर एक्ने प्रोन एंड ऑयली स्किन। नेक्स्ट अप वी हैव द मोस्ट एक्सपेंसिव मॉइस्चराइजर ऑफ माई लाइफ, मतलब इससे महंगा मैंने बॉडी लोशन अपनी लाइफ में कभी ट्राई नहीं किया होगा। दिस इज फ्रॉम द ब्रांड सोल डे जेनेरो। मैं इसका अमाउंट भूल गया, आई थिंक 2500 तक के अराउंड। या इट्स एन एक्सपेंसिव ब्रांड सोल डे जेनेरो, ये उनका ब्राजीलियन बूम बूम क्रीम है। इसमें बम बम लिखा हुआ है, बट जब मुझे इसका पीआर रिसीव हुआ था ना, तो नायका में मेल्स भी देता है कि पीआर में आपको क्या आने वाला है, उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, तो उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ था कि वो जो ब्रांड है वो इसको बम बम नहीं प्रोनाउंस करते, वो इसको बूम बूम क्रीम प्रोनाउंस करते हैं। सो दैट्स हाउ यू प्रोनाउंस इट। एंड ये मैंने पूरी खत्म कर दी है, सफा चट एकदम। ओ थोड़ी सी है नीचे अभी रहती है, इसको मैं डेफिनेटली खत्म करने वाली हूँ, बट दिस इज वेरी नाइस। कितनी महंगी क्यों है यार, बहुत अच्छी खुशबू है इसकी। इसकी स्क्रब की भी सेम खुशबू थी, इसका स्क्रब भी मैंने आपको आई थिंक लास्ट एम्प्टीज में दिखाया था, शुगर बेस वो स्क्रब था, वेरी नाइस। इनके छोटे ट्रैवल साइज आपको किट मिलती है नायका पे, आई थिंक वो 2000 तक की आती है, उसमें आपको मिनी मिनी इनके मिलते हैं। तो अगर ट्राई करना चाहते हैं लग्जरी ब्यूटी, तो आप वो ले सकते हो, बट अगर बजट है तो लेकर देखो। और 2500 के हिसाब से इतना कोई वाव रिजल्ट्स तो आपको देगी नहीं कि आपके एकदम लेग्स या हैंड्स एकदम चेंज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। खाली लग्जरी ब्रांड है ना, तो उसी का चार्ज करते हैं, बट ये एक्सपीरियंस इज वेरी नाइस। खुशबू बहुत अच्छी है यार, इसको लगा के बहुत अच्छा फील होता है। हैंड्स लेग्स पर जैसी खुशबू आती है ना, बहुत अच्छी, इट्स वेरी डिफरेंट। मतलब ये खुशबू आई थिंक, आई डोंट थिंक किसी और प्रोडक्ट में आपको मिलने वाली है। सो जो लग्जरी इनका प्राइस पॉइंट है ना, वो इनको थोड़ा सा हट के तो डेफिनेटली बना ही रहा है। नहीं पता तो मैं दोबारा बताती हूँ, दिस इज सोल डे जेनेरो, ये बाहर की ब्रांड है, ये नायका पर अब एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है। तो अगर ट्राई करनी हो तो ट्राई कर लेना, मैं लिंक नीचे दे दूंगी। तो आई हैव अ सीरम, ये काफी बड़ी बॉटल है, ओके। दिस इज डर्माकोका 10% नायसिनमाइड फेस सीरम, ये भी काफी पुराना है। दिस इज द ओल्डर फॉर्मुलेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कुछ इस तरह से दिखती है उनकी बड़ी वाली बॉटल है। अब तो फॉर्मुलेशन डर्माको की सारी फ्रेग्रेंस फ्री हो चुकी है, ये फ्रेग्रेंस वाली फॉर्मुलेशन थी आई गेस, इसीलिए या ये पुराने वाली फॉर्मुलेशन है। इसको मैंने मेजरली लेग्स पर ही यूज किया था, मतलब उसके बाद जब फ्रेग्रेंस फ्री आने लग गए थे तो मैंने पुराने वाले रख दिए थे साइड में, और फिर जब यूज करना ही है बिकॉज इतना सब में बचा हुआ था, तो मैंने इनको लेग्स पर यूज किया, एंड दिस वर्क वेरी वेल फॉर माई लेग्स। लाइक लेग्स पर जो थोड़े बहुत ऐसे निशान पड़ जाते हैं, काफी बार वैक्सिंग शेविंग करो बम्स आ जाते हैं, फिर एक स्पॉट बनना शुरू हो जाता है, तो उस पर
भी काफी अच्छे से वर्क कर रहा है, तो अगेन डोमोको की जब सेल आती है ना ऐसे बाय वन गेट वन बाय टू गेट टू या फ्लैट कुछ ऐसे करके, तो ये वाले आप सीरम ले सकते हो, आप उनको अपनी बॉडी पर भी यूज करोगे ना तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। नाइसिनमाइड सीरम अगेन एक्ने मार्क्स और स्कारिंग के लिए होता है, सो अगर आपको सेम इशू अपनी लेग्स या फिर बैक पे है ना तो आप ये ले सकते हो, दिस विल वर्क प्रिटी वेल फॉर यू। वी हैव समथिंग इन कंजम्पशन कैटेगरी एज वेल, ये है सुपर चिक का, चिक न्यूट्रिक्स का आमला एक्सट्रैक्ट जिंक, बेसिकली ये एफोवेसेंट टैबलेट्स होती है। मैंने एक वीडियो बनाई थी व्हाट आई ईट इन अ डे हेल्दी सॉर्ट ऑफ एडिशन की, उसमें लास्ट में दिखाता कि रात को सोने से पहले मैं इसकी हाफ टैबलेट पानी में डाल के पीती हूँ, बिकॉज एफोवेसेंट है ना ये, तो आप पानी में डालो एकदम ऐसे फिज करके निकलती है और पूरी ब्लेंड हो जाती है पानी के अंदर ही, लिटरली ऐसा लगता है मैं कोई लिमका या लेमन बेस कोई ड्रिंक पी रही हूँ बिकॉज का बिल्कुल वही वेरियंट है। मैंने पर्सनली इतना कोई डिफरेंस नोटिस नहीं किया, लेकिन जब मैंने स्टोरी डाली थी ना, मैंने इसका एक मिनी रिव्यू किया था इंस्टाग्राम पर, तब मुझे काफ़ी लड़के हुए डीएम्स आए थे कि हमने अच्छा डिफरेंस नोटिस देखा है, हमारी स्किन काफ़ी बेटर हो गई इसको लेने के बाद। सो मे बी दिखाओ या फिर मैंने इतना नहीं देखा हो, मैं हाफ टैबलेट ही लेती हूँ बिकॉज मेरा गट थोड़ा सा वीक है, मेरी डाइजेशन वीक है, और 1000 mg है इसमें आई थिंक वाइटामिन सी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या वाइटामिन सी इसमें 1000 mg है, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है, मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है, मुझे पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, सो इसलिए मैं हाफ टैबलेट लेती थी रात को सोने से पहले पानी के अंदर, और हाफ टैबलेट के हिसाब से इट वर्क प्रिटी वेल फॉर मी, मतलब पूरा ये मेरे लिए 2 महीने के अराउंड चल गया था, एंड इट्स नाइस, मैं ऐसे टाइम पास के लिए लेती थी, चलो वाइटामिन सी एक वेरियंट कहीं ना कहीं बॉडी में भी वाइटामिन सी जाएगा, अगर मैं फ्रूट्स नहीं ले पा रही तो वाइटामिन सी कहीं और से एक सोर्स मिल जाएगा, अदरवाइज इसमें आपको जिंक भी मिलता है। सो ये अगर आप कुछ स्किन के लिए लेना चाहते हो इन सप्लीमेंट फॉर्म, दिस इज नाइस, ये सेफ मैं आपको बोल सकती हूँ बिकॉज मैंने खुद पर्सनली पूरा कंज्यूम किया है। एंड फाइनली आई हैव टू सीरम्स, एक है लॉरियल का रीवाइटलिव हाइलुरोनिक एसिड सीरम, ये तो ऑब्वियसली कंपलसरी होगा ही होगा, ये मैंने आपको प्रीवियस एमटीज में भी दिखाया हुआ है, तब बड़ी वाली बॉटल थी, अब ये छोटी वाली बॉटल रिसेंटली फिनिश हुई है, ये मुझे पीआर में रिसीव हुई थी, वेरी नाइस, इट्स लाइक अ नो फस सीरम, अगर आप टीनेजर हो या फिर आप कुछ ना कुछ मेकअप करने से पहले कुछ सीरम यूज करना चाहते हो, ट्राई दिस वन, हाइलुरोनिक एसिड है इसमें सिंपल 1.5%, थोड़ा सा पानी स्प्रे करना है, रोज वाटर स्प्रे करना फिर लगाना, डैम स्किन पर अच्छा रिजल्ट देता है हाइलुरोनिक एसिड, बट दिस इज वेरी नाइस, स्किन को नरिश रखता है, प्लम रखता है, मेकअप काफी अच्छे से होता है, इट्स लाइक अ नो फस सिंपल सीरम, इसमें कोई एक्टिव इंग्रीडियंट्स नहीं है, कोई केमिकल एक्सफोलिएंट नहीं है, अ सिंपल हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम जो कोई भी यूज कर सकता है। नेक्स्ट अप आई हैव दिस क्योर्स का एक्ने एंड सीबम कंट्रोलिंग सीरम विद 5% लैक्टिक एसिड एंड 1% सैलिसिलिक एसिड, काफी डर्टी हो गया है, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ये मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, आई डोंट लाइक द फॉर्मुलेशन, मुझे थोड़ी सी टिंगलिंग लगा अपने स्किन पर, तो मैंने इसको अपने लेग्स पर यूज किया, काफी बार मुझे लेग्स पर थाइस पर बंपीनेस हो जाती है शेविंग की वजह से, या जिम करती हूँ जिम टाइट्स पहनती हूँ उसकी वजह से भी काफी बार बंपीनेस हो जाती है, तो मैं उस टाइम पे इनको यूज कर लेती हूँ अपनी लेग्स पर, एंड इट वर्क प्रिटी वेल ऑन दैट एरिया। सो या कभी भी सीरम्स एंड ऑल को फेंका मत करो, अगर फेस पर नहीं सूट करे तो लेग्स पर काम आ जाते हैं, सो उस बम्प्स एंड ऑल के ऊपर ये काफी अच्छे से वर्क किया, अगेन लैक्टिक एसिड है तो एक्ने मार्क्स और जो भी बंपीनेस होती है उस पर भी वर्क किया, बट फॉर फेस आई थिंक यू कैन स्किप इट। फाइनली वे हैव मेकअप, सबसे पहले मैंने फिनिश किया ये मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन, आई थिंक मेरी लाइफ का पहला फाउंडेशन होगा जो मैंने खत्म किया, अभी भी वॉल पे पूरा इधर उधर लगा हुआ है लेकिन ये पंप में नहीं आ रहा, आई लव दिस फाउंडेशन, 128 वार्म न्यूड इज माई शेड, फिट्स मी सो वेल एंड बहुत अच्छी कवरेज देता है, मैंने इसको बहुत सारी शादी पार्टी फंक्शन में भी यूज किया है, अगर आप अंडर 500 बिकॉज सेल पे तो अंडर 500 आपको हमेशा नायका में मिलेगा कुछ फाउंडेशन देख रहे हो ना, ट्राई दिस वन, ऑयली स्किन भी हो ना तभी बहुत अच्छे सूट करता है, स्किन को ग्रीसी नहीं बनाता, कवरेज बहुत अच्छी देता है, जो भी एक्ने मार्क्स एंड ऑल है वो अच्छे से कंसील हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज इतना नहीं होता इसलिए मैं 128 यूज करती हूँ जो थोड़ा सा लाइट है स्किन के लिए, लेकिन जब हल्का सा ऑक्सीडाइज हो जाता है ना स्किन पे तो एकदम स्किन का कलर ले लेता है, सो डेफिनेटली ट्राई दिस, आई लव इट। देन मेरे पास ये 2 primer है, इसका तो मैंने मंगा ही लिया है, सेकंड बॉटल ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्लर परफेक्ट प्राइमर, इसको आप देख सकते हो हालत कैप भी इसकी घूम गई बिकॉज मैंने लास्ट में इसको निचोड़ निचोड़ के निकाला है, सो गुड, मैंने इसकी सेकंड बॉटल ट्यूब मंगा ली है अमेजोन से, आई लव दिस वन, एकदम क्रीम एक प्राइमर है जो अच्छे से स्किन को प्राइम भी कर देता है, पोर्स को फिल इन कर देता है, एंड द सेम टाइम मैंने देखा जो मेरी रेडनेस या फिर जो भी थोड़ा बहुत होता है लाल लाल काफी बार स्किन होती है एक्ने वजह से, वो काफी अच्छे से इससे इवन आउट हो जाती है, तो मुझे मेकअप कम करने की नीड होती है बिकॉज इससे काफी अच्छे से एक पिंक टिंट है इसका जिसकी वजह से स्किन कहीं ना कहीं इवन आउट हो जाती है, मॉइस्चराइज बहुत अच्छे से करता है स्किन को, इसके ऊपर मेरा मेकअप क्रैक नहीं होता, सो अगर आप थोड़ा सा विंट्री या फिर ड्राई वेदर कंडीशन में कुछ देख रहे हो ना तो हिसाब से काफी अच्छा है बिकॉज लाइक अ मॉइस्चराइजिंग प्राइमर।
लास्ट वन इज बाय ईबा हलाल. ये ईबा का फोटो परफेक्ट HD फेस प्राइमर. दिस इज अ सिलिकॉन इन्फ्यूज प्राइमर एंड दिस स्पेसिफिकली फॉर ड्राई स्किन, बिकॉज ये मैंने एक लौता ऐसा प्राइमर देखा है जो सिलिकॉन फील दे रहा है लेकिन एक नरिशमेंट भी दे रहा है. सो अगर आपकी ड्राई स्किन है और आपको पोर्स के बहुत इश्यूज है ना, ट्राई दिस वन. इसमें इन्होंने कुछ डाला हुआ है, इट इज इनरिच्ड विद आर्गन एक्सट्रैक्ट जिससे एक नरिशमेंट फील होती है. सो ड्राई स्किन के लिए काफी अच्छा है और ये अपने आपको HD क्लेम करता है कि ये ट्रांसफॉर्म कर देता है रेगुलर मेकअप को HD मेकअप में. सो या इट्स नाइस. आई थिंक फॉर द प्राइस पॉइंट इट वर्क प्रिटी वेल फॉर मी. ये एक्सपायर हो गया था बिकॉज बीच में कहीं और मैंने इधर उधर रख दिया था और फिर मुझे जब बाद में मिला तो एक्सपायर हो गया था. ये अभी रिसेंटली 2 या 3 महीने पहले एक्सपायर हुआ है तो मैं इसको यूज नहीं कर पाई जो नीचे का जो बचा हुआ था. बट या इट्स नाइस, यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट फॉर ड्राई स्किन. दिस इज अ नाइस प्राइमर. एंड विद दिस माई प्रोडक्ट एम्प्टीज इज ओवर. सारे प्रोडक्ट्स खाली हो गए. फाइनली एक बोझ उतरा मेरे ऊपर से कि मुझे प्रोडक्ट एम्प्टीज वीडियो बना ली है. जो अच्छे अच्छे एम्प्टीज हैं बेसिकली जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ आपको लेने के लिए, उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और जो स्टेट अवे नो है वो तो मैं लिंक करने नहीं वाली. सो डू लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट. इनमें से कोई प्रोडक्ट अगर आपने ट्राई किया है, आपका कोई और रिव्यू है इसके ऊपर, तो आप अपना रिव्यू नीचे कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हो. आई ऑलवेज से कॉमेंट सेक्शन को भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशनल बनाओ, खाली वेरी नाइस, गुड गुड, अच्छा है, ऐसा मत लिखा करो. कुछ ना कुछ अपना भी कुछ इनपुट या फिर रिव्यू डाला करो. यू आर ऑलवेज वेलकम फॉर योर ओपिनियन. एंड या दैट इज टुडेज वीडियो. इसके अलावा डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. काफी बार इंस्टाग्राम पर मैं हाई एंड बाय की स्टोरीज भी कर देती हूँ कि ये वाला खत्म हो गया, ये वाला मैंने लिया है. तो अपडेट्स देखने के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है kashikar.chauhan. मैं नीचे भी लिंक दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे तो आपको लिंक मिल ही जाएगा. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.